सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। त्रिशूल चंद्राई महाभिषभवाहिनी
माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्ते मयूरमुखचरिते महाशक्तिधरेण कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमस्ते शङ्खचक्रगदाचार गृहेदपरमायदे प्रसिद्ध वैष्णवी रूपे नारायणी नमस्ते गृहेग्र महाचक्र दशाधरे वराहरूपिणे शिवे नारायणी नमस्ते नृसिंहरूपेण अग्रेण हन्तं दत्यागदभ्रमे वैश्वत्यत्रानन्दहृदे नारायणी नमस्ते करीटमे महावज्र सहस्रनयनाजले वृत्रप्राण हरिचन्द्रे नारायणी नमस्ते शिवधूते स्वरूपेण हतदत्या महाबले गौररूपे महारावे नारायणी नमस्ते दृष्टाकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मन्दमदने नारायणी नमस्ते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये शब्दभूषे सुदर्शने महारात्रे महाविद्ये नारायणी नमस्ते नेत्रे सरस्वती फले भूते भागविदामसे नियते त्वं प्रतिदेशे नारायणी नमस्ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वयव्यत्राहि नौ देवी दुर्गे देवी नमस्ते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनात्यभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमस्ते ज्वालाकरालमत्युग्रमजयशासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो वेदभद्रकाले नमस्ते इन्द्रस्ते जेयांसि स्वनेनापूरया जगत् साकण्ठा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुदानिव असुरासिवसापङ्गजितस्य करोज्वलः शुभाय खलगोबोधो चण्डिकेतान्नलाभयम् रोगानशेषानवांसितुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानरिष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नलानां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति एताकृतं याकदनां प्रयाध्वम् धर्मान्धिषां देवि महासुराणां रोगैरनेकैर्बहुधात्मबोधे कृत्वाम्बिकेतत् प्रचरति कन्या विद्वासुशास्त्रेषु विवेकदीपे स्वादेषु वाक्येषु जगात्वदन्याम् मम त्वहतेति महान्धकारे बिभ्रामयते तदति हरिशाम् रक्षांसि यत्र गविजाशनागा यत्रारयोजस्य बलानि यत्र दावानलोजत्र तदाब्धिमध्ये तत्र श्रीधातां परिभासि विश्वम् विश्वेश्वरीत्वं परिभासि विश्वम् विश्वात्मकाधारयसेति विश्वम् विश्वेशमन्त्रा भवति भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्तिनम्रः देवी प्रसीद परिपालयनोर्वीते नित्यं यथा सुरवदा ददुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमन्नयास उत्पातपाकजनिताश्रमोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वातिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामि ते लोकानां वरदा भव देव्यो वाच वरदाहं स्वर्गना परं जनमनसे चद त्वं प्रगच्छं प्रयच्छामि जगदामुपकारकं देवाोचः सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्भैर्विनाशनम्
देव्यो वाचम् देवस्वजन्तरे प्राते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भकृशम्भश्रेलान्यापद्मस्य ते महासरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तो नाशरिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनि पुनरप्यतिरोद्रेण रूपेणापितरीतले अवतीयः निश्यामि व्यप्रजिन्दा सुधानवान् वक्षशन्दाशतानुग्रां व्यप्रजित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति धारिमेव सोपमा ततो मां देवतः स्वर्गे मध्यलोके च मानवा सुबन्धो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् भूयशतवाशिका मनावृष्टा मनम्पदे मुनिभिः संस्तुता भौम संरविष्यामि दानिजा ततः जलेन नेत्राणा निरीक्षिष्यामि जन्मनेन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजः सदा किमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकम् आत्मदेहसमुद्भवे भरिष्यामि सुराशाकिराविष्टिः प्राणधारिके शाकम्भरीति विख्यातुम् कदा यस्यामहम् भवे तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यम् महासुरम् दुर्गाधेवेति विख्यातम् धर्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहम् जलाधीनम् रूपम् कृत्वा हिमाचले रक्षान्ति लब्धरिष्यामि मुनीनाम् दानकारणात् तदा मामुनयः सर्वे ध्वजन् ध्यानम् प्रमोदयः भीमादेवेति विख्यातम् तन्मे नाम भविष्यति जलारुणाचलोके महाबाधाम् करिष्यति तदाहम् रामरम् लोपम् कृत्वा शङ्करैश्वरम् त्रैलोकजयराजाय वदिष्यामि महाधरम् रामरेजे च मालोका सदा शोषन्ति सर्वतः एतम् च राजरावाचा दानवता भविष्यति तदा तदा वदेयाहम् करिष्याम्यै संशयाम् सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन आप सब का हार्दिक स्वागत इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है विश्व के कल्याण में ही हम सब का कल्याण है इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं आरती की इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपका आशीर्वाद दें आपकी मनोकामना को आपके मनोरथ को पूर्ण करें जय आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्य करण माँ भगवती की स्तुति इसका क्षफल होता है विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपके सुख समृद्धि के लिए आपके बुद्धि के लिए आपके उन्नति के लिए आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले ही धन धन की वृद्धि करने वाले ही जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से
जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते ही उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होती है, दीर्घायु को प्राप्त होती है, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आज का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजननी ने माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। ध्यान रक्षा करोति भूतेभ्यो जन्मनां केतनां मम
ब्रह्मणा चाकृता सोपयाच्यन्ते वामदे अरण्ये प्रान्तरेवापि कालाग्ने परिवारितः दशभिर्वापि राजने गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रान् जातो वा वने वावनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन राजत्वो वज्र भङ्गाकृतोऽपि वा आघूर्णितो वा वादेन सदा पोते महानरे सङ्ग्रामे विषदारणे सर्वाबाधासु घोरासु मेदनाव्यार्थितोऽपि वा सुमर्पमेदजयितं नरामुच्चेत सङ्कटात् मा प्रभावा सिंहादरस्यो वैरिणस्तदा दुर्हादेव पलायन्ते स्वरतश्चरितं मम ऋषुरुवाच यत्त्वा सा भगवते चण्डिकाचण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्र वन्दधीयत तेऽपि देवानिरातङ्कः स्वाधिकारान् यथा पुरा जगमागाभुया सर्वे चक्रविनिहतारयः देत्या च देव्यानेते शुम्ने देवरिपायते जगद्विध्वंसरे तस्मिन् महाविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषः पादालपायय एवं भगवते देवे सान्निध्यापि पुनः पुनः सम्भूया कुरुते भूपा जगतः परिपालनम् तय तन्मोयते विश्वम् देवभिश्वम् प्रसूयते साक्षाचिता च विज्ञानम् दुष्टारिद्यम् प्रयच्छति व्याप्रन्तये तत्सकलम् ब्रह्माणामलयेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारे स्वरूपया सेवकाले महामारे सेवदृश्ये प्रवर्तका स्थितिम् करोति भूतानाम् सेवकाले सनातने भवकाले नृणाम् सेव लक्ष्मी वृद्धि पदागृहे सेवाकाले तथा लक्ष्मी विनाशायोपजायते सुधा सम्भोजिता पुष्पे सोमगन्धादिविस्तदा ददाति वित्तम् उद्दा च मदिम् धर्मे गदेम् शुभा अथ सिद्ध कुञ्जिका स्तोत्र शिवोवाच शृणु देवी प्रभच्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्र प्रभावेन चण्डीरापः शुभो भवेत् नारोचकम् नार्गलासादम् नीलकम् नारहस्यकम् नासुप्राणापि ध्यानम् च नान्यासो न च वाचनम् कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठबलम् लभेत् अतिगुह्यतरम् देवि देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयम् प्रयत्नेन सुयोनिरुपार्हति मारणम् मोहनम् वश्यम् सम्भरम् जाननादिकम् पाठमात्रेण संसृज्य कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे ॐ ग्लौं ह्रौं क्लीं ह्रौं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे ज्वलहंसं लङ्कं भस्वाः नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुवर्धिनि नमस्ते तवहारिण्ये नमस्ते महिषादिनि नमस्ते जम्बहन्त्रे जातिजुम्भासुरगादिनि जागृतम् हि महादेवे यतम् सिद्धिम् वरषणे एङ्कारे सृष्टिरूपाय एङ्कारे प्रतिपालिका कृङ्कारे कामरूपिण्ये बीजरूपे नमस्तु चामुण्डा चन्द्रगादिज एकारि वरदायिनि द्वित्य चापराजित्य नमस्ते मन्त्ररूपिणि दान्धेन्धोन्धोर्यरे वामे भोवागदेश्वरी क्रान्ते कालिका देवे शासे सोमे शुभं गुरु हुं हुं हुङ्काररूपिण्ये जं 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 गणाधिनि ब्रां ह्रीं ह्रूं भैरवि भद्रे भवाने ते नमो नमः अङ्कं चं तं तं पं यं यं भिं धुं हिं भिं हं छं द्विजाग्रं द्विजाग्रं त्रोदय त्रोदय दीपं गुरु गुरु स्वाहा पां भीं पुं पार्वती
ददाम सांसेन्द्रो सप्तशतीदेभ्यां मन्त्रसिद्धिं कुरुष्वरेम इदं तो कुञ्जिका सादम मन्त्रयागदिह तवेम अवक्तेने ददातव्यं गोपितं लक्ष्य पार्वते यस्य कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् नारस्य जायते सिद्धि हरन्नेलादनं यथा अथ दुर्जया पत्सरस्वते शरण्ये शिवे सानतं ते नमस्ते जगद्याभिगेवेश्वरूपे नमस्ते जगद्रज्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणे जाहि दुर्गे नमस्ते जगच्चैतन्यमानस्वरूपे नमस्ते महायोगिविद्यायरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणे जाहि दुर्गे अनाथस्य दीनस्य सृजनातुरस्य प्रयातस्य दीनस्य बद्धस्य गन्तो त्वमेकागतिर्देवि निस्सार कल्पे नमस्ते जगत्तारिणि Oh,
उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से आवाज निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। बड़ी अद्भुत शक्ति होती है। वास्तव में जो भक्तजन सच्चे हृदय से, विशुद्ध मन से इस जगजन्य जगत माता की शरणागत होकर के माँ की भक्ति करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, माँ के नाम का जप करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, इस माँ जगजन ने जगत माता की उन शरणागत भक्तों पर सदा सर्वदा पूर्ण कृपा बनी रहती है और माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से वह भक्तजन, वह साधकजन सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। वन भक्ति की भक्ति जो है सच्ची होनी चाहिए, सच्चे हृदय से। अब जब भी माँ को याद करोगे, माँ को पुकारोगे, माँ सब ओर से आपका मंगल मंगल करेगी। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरे नारायणी नमस्ते। हे नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाले मंगलमयी हो।
कल्याण दायनी शिवा हो, सब पुरुषों सिद्ध करने वाली, शन वसला ते नेत्र वाली एवं गौरी हो। हे नारायणी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से नमस्कार है। जे भगवती जी हैं मंगलमयी है, कल्याणमय, कल्याण को देने वाली, मंगल को करने वाली, जे सुखों को देने वाली, दुखों का नाश करने वाली, और सर्वत्र जो है भक्तों का कल्याण करने वाली, जय भगवती जिसके चरण में बैठे हुए हैं, और जो ही भक्त सच्चे हृदय से माँ के शरणागत होकर के माँ से प्रार्थना करते हैं, जय भगवती आदिशक्ति उनकी प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करती हैं और उनके सभी कष्टों को, सब दुखों को दूर कर करके उन भक्तों का सर्वत्र कल्याण करती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इस प्रकार से भक्ति जो है मनुष्य को जो है प्रयत्न पूर्वक जो है मनुष्य देह जो है बड़ा दुर्लभ है। अन्य जितनी भी जोड़ियां बतलाई गई हैं किसी को दुर्लभ देह नहीं कहा, केवल मात्र मनुष्य को ही कहा, क्योंकि मनुष्य जो है यही जो है इस प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलता हुआ, धर्मानुकूल कर्म करता हुआ, वो जगजन्य आदि शक्ति की आराधना अर्चना पूजा करता हुआ, माँ की भक्ति करता हुआ जो है वह कल्याण को प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य देह जो है ये हमारे अपने ही कल्याण के लिए दिया गया है। देव कृपा होती है, भगवती कृपा होती है, मनुष्य देह की प्राप्ति होती है, तो हम भूल जाते हैं इस देह का जो है हमें जो सदुपयोग करना था वो करते नहीं, लेकर संसारिक माया में फंस जाते हैं। इस संसारिक माया में फंस करके जो है फिर जो है वास्तव में जिसलिए हम आए थे, जो हमें करना था बस आप पीछे रह जाते हैं, और जो नहीं करना चाहिए उसी मोह में जो है जाल में, मोह जाल में फंस जाते हैं। और जब जो है पता चलता है तब समय बीत चुका होता है, इसलिए खोया हुआ समय जब वापस आता नहीं। प्रयत्न पूर्वक जो है मनुष्य को इसी प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करना चाहिए, और जय धर्म कर्म जो है ये जीव के साथ सदा सर्वदा वह चलता है, इसका साथ निभाता है। जय धर्म कर्म जो है, जय भगवान की भक्ति जो है, जय इस लोक में भी सुख को देती है और परलोक भी कल्याण हो जाता है। बोले सच्चे दरबार की। इस धर्म में आपको दृष्टांत दे रहा हूं, जब साधक सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो कैसे भगवान जो है अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। भक्ति में अद्भुत शक्ति, भक्त जो चाहे भगवान से करवा सकता है, इतनी शक्ति होती है भक्ति में। भक्त चाहे तो भगवान को जो है इस धरातल पर ला सकता है। ऐसी भक्ति जो है कि साधक की हो, भगवान स्वयं आए और ऐसी लीला करें। आप जानते हैं द्वापर में यशोदा मैया के घर में भगवान जो है कृष्ण के रूप में आए, कैसे बाल लीला करते हैं, और वह भक्त माँ जो है ऐसी यशोदा माँ ने क्या भक्ति की थी। भगवान बाल रूप में जो आगे आगे दौड़ते हैं और माँ यशोदा डंडा लेकर के पीछे पीछे, जी है भक्ति, भक्त की भक्ति जो है। ऐसी भक्ति हो कि भगवान स्वयं आए, ऐसी लीला करें और जीवन आनंदमय हो जाए। कहते कि पंडरपुर ये एक प्रसिद्ध तीर्थ है, पंडरपुर सभी आप जानते हैं, बड़ा जो प्रसिद्ध तीर्थ है, और हर वर्ष जो है कहते हैं कि लाखों नर नारी जो है वहां पर जो है कीर्तन करते हुए, भगवान के नाम का जप करते हुए, यही पुंडरीनाथ श्री विट्ठल भगवान के जो है वहां पर जो है दर्शनों के लिए जाते हैं। भगवान के दर्शन करते ही कोई यात्री जो है कहते हैं कि मेला लगा हुआ था, और करार नगर के जो है पंडरपुर में मेले में वहां पर जा रहे थे, वहां पर जो कहते हैं कि यात्रियों को जाते हुए देखकर जो है जी सखू भाई जो है एक स्त्री थी जो पानी लेने के लिए गई थी, और रास्ते में देखा कि यात्री जो है दर्शनों के लिए जा रहे हैं, तो मन में विचार आया कि मैं भी भगवान के दर्शनों के लिए जाऊं। जैसे आप किसी को सुनते हैं जहां जाते हुए देखते हैं कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, माँ के दर्शनों के लिए, तो मन में आता कि मैं भी चलूं, तो कहते हैं कि थोड़ी देर रुक जाइए, बस 2 मिनट में कपड़े चेंज करके आया, मुझे भी जाना। एकदम जो है बुलावा आ जाता है, जब बुलावा होते हैं तब कोई रोक नहीं सकता, तो बिना बुलावे के कोई आ भी नहीं सकता। ऐसे ही वहां पर जो है जी सखू भाई जो है इसके मन विचार हुआ, कहाँ जल लेने गई थी, और जो है रास्ते में यात्री को
मेले में जाते हुए देखा पंडरपुर में भगवान के दर्शनों के लिए, तो मन विचार आ गया कि मैं भी दर्शनों के लिए चलूं। ऐसा विचार आया फिर सोचने लगे कि सास ससुर तो मानेंगे नहीं, जाने के लिए वो जाने नहीं देंगे, तो क्या करूं। पानी का घड़ा मटका वहीं पे रखा और वहीं के सहे यात्रियों के साथ दर्शनों के लिए चल पड़ी। यात्रा में सम्मिलित तो होगी, अब जो है एक दूसरी नारी ने जो वहां जाकर के जो है उसके घर में उसके सास ससुर को बतलाया कि आपकी बहू तो यात्रा के लिए चलेगी यात्रियों के साथ। तब जो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और ऐसा कहा कि इसको जाकर के वापस लाओ। वह भागते हुए गया और जाकर रास्ते से उसका जो है जिस तरह से भी उसने लाया घर में, और कहते कक्ष में कमरे में जो है उसको बंद कर दिया, बांध दिया, और जो प्रतिज्ञा कर दी कि जब तक जो है पंडरपुर में मेला समाप्त नहीं होगा तब तक इसको भूखा प्यासा यहीं पर रखेंगे, जो बंदी रहेगी जहां पर जो है। इस प्रकार से अब जो है बांध दिया। तब उस समय कहते उसने कोई शिकायत नहीं की भगवान से। बहुत सारे लोग कहते कोई काम ना हो जो संकल्प करें सिद्धि प्राप्त ना हो, जिस कामना के लिए हम जो है मां के दरबार में आते हैं। कई बार देखी जब मनुष्य पुण्य करता है, सत्कर्म करता है, पुण्य की वृद्धि होती है, पापों का नाश होता है, पाप समाप्त होते हैं, तो कार्य की सिद्धि भी होती है। कुछ लोगों के तो एक बार दर्शन करने से बस सब ओर से उनका मंगल मंगल हो जाता है, परंतु कुछ लोगों को बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए भक्ति में जीने ऐसा नहीं सोचना कि हम जो है माँ के दरबार जाते हैं देखिए हमारे साथ ये कैसी घटना हो गई, ऐसा नहीं, कि माँ के प्रति पूर्ण श्रद्धा जो रखे। कहते कि उसने जो है कोई जो है गिला शिकवा नहीं किया किस प्रकार से, देखे मैं तो आपके दर्शनों के लिए जा रही थी भगवान, और जब मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ मारपीट हुई, मुझे बांध दिया और जबर बंद कर दिया, खाने के लिए रोटी नहीं मिलती, पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता, कोई शिकायत नहीं की भगवान से। कहते हैं कि भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा थी, और इस प्रकार से बहन कहती है कि हे प्रभु, सखु भाई जो है इस प्रकार से प्रार्थना करती है, भगवान मैं तुम्हारी भक्ति करती हूँ और तुमने जो है मेरे लिए क्या किया, ऐसी कोई शिकायत नहीं की, निष्ठा नहीं तोड़ी, और सखु भाई को जो है जब बांध दिया। तो इस प्रकार से वह कहती है कि मेरे विट्ठल भगवान आप बतलाओ कि मैं क्या करूँ, आप बतलाओ मैं क्या करूँ, हे दीनानाथ मैं जो है ना तुम्हारा किसी प्रकार के पूजा विधान जानते, कोई पूजा नहीं जानती आपकी, कोई आपकी भक्ति भी नहीं जानती, कैसे आपकी भक्ति करो, कैसे जो पूजा करो, मैं कुछ जानती नहीं। इस प्रकार से हे प्रभु हे दीनानाथ मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि मैं आपकी हूँ, बस इतना ही जानती हूँ, इससे अधिक नहीं जानती हूँ कि मैं आपकी हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए शांत होगी, उस कक्ष के अंदर जो है जब शांत होगी अब भगवान की लीला प्रारंभ हुई। वह वहां पर है तो जो है भगवान जो है ऐसी लीला धारण करते हैं, तत्क्षण भावर प्रकट होते हैं, कैसे उसी के रूप में वहां प्रकट हो गए, और वो सखु भाई से कहते हैं कि तेरी सास ने मुझे जहां पर भेजा है, चलो मैं यात्रा जा रही हूं, चलो मेरे साथ। उसने कहा जाना तो चाहती हूं परंतु मुझे बांध रखा है, कैसे जाऊं। उसने कोई बात नहीं चिंता मत कर, तुझे ही उसके हाथ पैर जो थे खोल दिए, किवाड़ भी खुल गया, और वह झट से भागते उसने कहा कि आप चलो और मैं आपकी सासू से मिलकर क्या था, चली आ गए। वह तो चली गई यात्रा के लिए पंडरपुर भगवान के दर्शनों के लिए, उस मेले में सम्मिलित तो हो गई। और इधर जो है भगवान जो है कहते हैं सखु भाई का ही रूप धारण कर करके उसी के घर में भाई उसी कक्ष में जो है वह स्वयं वहां पर बंद गई। जो भगवान की लीला है कैसे उसके लिए बनते, अपने भक्त के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते हैं। इस प्रकार से अब जो है वहां पर बंधे हुए हैं, उधर सास ससुर क्या करते हैं और पति भी आकर के कक्ष में सामने आते हैं, बंधा हुआ देखते हैं और गाली गलौज कर करके उल्टा सीधा बोल करके फिर चले जाते हैं। परंतु भगवान जो है सखु के रूप में उनकी बहू के रूप में वहां पर विराजमान है,
बार बार जब जाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है उसके दर्शन होते हैं। दर्शन से क्या होगा, बार बार जो है जब जाएं और इस पर गाली गलौज भी करें, परंतु दर्शन से क्या हुआ, अंतःकरण जो शुद्ध होने लगा, विचार आया हम इसको क्यों सजा दे रहे हैं, बांध के रखा है इसको खोल देना चाहिए। तीनों के मन में ऐसा विचार, सात्विक विचार आ गया, ऐसी बुद्धि बदली और उन्हें जाकर उसे खोल दिया। अब वही भगवान और सखु के रूम बहू के रूम में वहां पर घर का कामकाज कर रहे हैं, जैसे उनकी बहू करती थी, रोज खाना भी बनाना सबके बढ़िया, और उनके खाने का बड़ा आनंद आ रहा है उनको। अब उनके मन में कोई ऐसा विचार नहीं है उसके प्रति जो है बहुत ठीक है, अब देखिए इतनी श्रद्धा से भोजन बनाती है, हमें खिलाती है, बड़ा स्वाद आता है, बड़ा आनंद आता है। प्रतिदिन जो है वह भगवान को भोग लगता है, वहां पर भोजन बनता है, भगवान को भोग लगता है। सास ससुर जो है पति देव कहते हैं सबकी बुद्धि जो है अब जो है परिवर्तन होगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय। इधर साखू जो थी उधर मेला समाप्त हुआ, वापस आना था, परंतु उसने सोचा कि वापस जाकर क्या करूंगी, इस शरीर में जो है अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, यही जो है इस शरीर को समाप्त कर दूंगी। कहते कुछ ही दिनों के उपरांत जो है उसका शरीर वहां पर शांत हो गया, वह मृत्यु को प्राप्त होगी। उधर जो है नगर के एक ब्राह्मण ने जो देखा तो उसने उसका दाह संस्कार कर दिया। अब जो है रुक्मणी जो है विचार करती, इसका दाह संस्कार भी हो गया और मेरे पतिदेव इसके रूम में वहां फंसे हुए, अब क्या होगा। कहते हैं कि भगवती माँ रुक्मणी जो है इस त्रिलोकी की जो निर्माण करता है, त्रिलोकी की रचना करने वाली जो है, कहते वह देवी के रूप में, वह नारी के रूप में वहां पर प्रकट हुई जहां पर उसका संस्कार हुआ था। कहते वही जो उसकी हस्ती बटोर करके इकट्ठी की और फिर जो अपने योग बल से जो है साखू को पुनः जीवित कर दिया। रोज से कहा उसने कि आप जो है आपका जो संकल्प था कि शरीर में जो है मैं वहां पर नहीं जाऊंगी, अब तो तुझे दूसरा शरीर दे दिया, दूसरा शरीर मिल गया है, अब जाओ अपने घर में। कहते हैं देवी की बात सुनकर वहां से उसने प्रस्थान किया और वह देवी रुक्मणी वहां से अंतर ध्यान हो गई। अब साखू जो है वापस अपने घर में लौट रही है, तो रास्ते में जो है जो साखू के रूम में भगवान वहां विराजमान है, वही पानी के लिए पानी का घड़ा लेकर के जो आ रहे हैं भरने के लिए, पानी भरने के लिए, अब जो रास्ते में भेंट हुई तब तो उसने कहा इतना समय लगा दिया आपने, जे लो जे तेरा मटका, इसको ग्रहण करो, जाए अपने ससुराल में। कहते भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोले सच्चे दरबार की जय। अब उसका घर गृहस्थ ऐसे सुखमय हुआ, ऐसी भगवान की कृपा हुई, सर्वत्र रिद्धि सिद्धि है, घर में आदर सत्कार है, इसलिए जो भक्ति की अद्भुत शक्ति होती है। भगवान क्या क्या लीला करते हैं, इसलिए भक्ति करते हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, मेरा काम नहीं हुआ तो मैं भक्ति नहीं करूंगा, भक्ति का अपना प्रभाव होता है। भक्ति मत छोड़े, भगवान के नाम का, भगवती के नाम का जप करते रहे, उसकी साधना करते रहे, क्योंकि ये जीवन जो एक सफर है, ये यात्रा है, और यात्रा करते हुए कई बार गाड़ी छूट जाती है, कई बार पैदल चलना पड़ता है, कई बार बड़ा साफ सुथरा रास्ता मिलता है और कई बार जो है खड्डे वाला रास्ता ही मिलता है, कठिन रास्ता ही मिलता है, इसलिए ये एक जीवन यात्रा है। भगवान का नाम स्मरण करते हुए चलोगे, उसके नाम का जप करते भक्ति करते हुए, तो आपको पता नहीं चलेगा उन कठिनाइयों का, उन दुखों का, और इस प्रकार से आप जो है उस सफर को आराम से जो है तय कर लेंगे। इसलिए माँ भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है, और जो भक्त जन माँ के शरणागत होकर के माँ की साधना करते हैं, माँ की उन पर सदा सदा कृपा होती है और उनके जीवन में सदा सर्वदा मंगल मंगल होते हैं, उनका कभी भी अमंगल नहीं होता। माँ भगवती सर्वदा भक्तों पर अपनी पूर्ण कृपा बनाए रखें और माँ की कृपा से आपकी जीवन यात्रा जो है वह सुख में बनी रहे और भगवती सर्वत्र आपका कल्याण करे। बोलो सच्चे दरबार की जय। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, निवेदन कर रहे श्री जी से माँ के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तों से कीर्तन सहयोग देना सम्मिल कर बोला ताली बजाते हुए श्री सुरेश जी। जय करा मेरी शेरोवाली मैया जी का, दरबार मेरी शेरोवाली मैया रे, मेरी मेहरों वाली मैया रे,
मेरी शेरों वाली मैया रे, मेरी मेरों वाली मैया रे, मेरी शेरों वाली मैया रे, मेरी मेरों वाली मैया रे, मेरी शेरों वाली मैया रे, मेरी मेहरों वाली मैया रे, लाटों वाली मैया रे, मेरी जोतों वाली मैया रे, मेरी लाटों वाली मैया रे, शेरों वाली मैया रे, मेरी मेहरों वाली मैया रे, सही भक्त जन अपने अपने हाथ ऊपर उठा कर सभी मान सभी अपने अपने हाजी जी हाथ सभी ऊपर मान रखे थे आप भक्तों के हाजी स्वीकार करें आपके झोलिए भरे आत्म राज्य पूरी करे आपका जीवन खुशी से भरता रहे। इस जीवन की तुम जीवन हो मेरी मैया तुम्हें कैसे बतलाऊं, दुख होता अपार तुम्हारे बिना इस विरह व्यथा को कहाँ तक गाऊं, इस विरह व्यथा को कहाँ तक गाऊं, इस विरह व्यथा को कहाँ तक गाऊं, हंस देती हो तुम भी मैया जब मैं अपना दुख दर्द सुनाऊं, मेरे दिल में रहती हो मैया तुम्हीं कैसे अपना दिल चीर दिखाओ, कैसे अपना दिल चीर दिखाओ, कैसे अपना दिल चीर दिखाओ, मेरी शेरों वाली मैया रे, मेरी मेहरों वाली मैया रे, मेरी मेहरों वाली मैया रे, मेरी मेहरों वाली मैया। पूछूं एक बात बताओगी क्या मैया ये निठुरता भारी है क्यों, जब हम नहीं तुम्हें विसारते हैं तूने मेरी याद विसारी है क्यों, तूने मेरी याद विसारी है क्यों, तूने मेरी याद विसारी है क्यों, हो के दिनों की बंधु है मां ना पूछी बात हमारी है क्यों, जब लाखों पापी तार दिए फिर मेरी बार इनकारी है क्यों, फिर मेरी बार इनकारी है क्यों, फिर मेरी बार इनकारी है क्यों, मेरी शेरों वाली मैया रे, मेरी मेहरों वाली मैया रे, परवाह नहीं हमें चाह है अपनी मैया की, किसी और की हमको चाह नहीं, किसी और की हमको चाह नहीं, किसी और की हमको चाह नहीं, कोई
पर नहीं, हम जाकर अपनी मैया के हैं, किसी और के ताबेदार नहीं, किसी और के ताबेदार आया जो दर से फिर मुझको अपनाएगा कौन, मैया फिर मुझको अपनाएगा, मैया फिर मुझको अपनाएगा कौन, मात पिता और भाई बंधु स्वार्थ के सब मीत है, अब किसके गले लगू मैं मैया, कुछ बिन बाहें फैलाएगा कौन, कुछ बिन बाहें फैलाएगा कौन, कुछ बिन बाहें फैलाएगा कौन, मेरी शेरों वाली मैया रे, मेरी मेहरों वाली मैया रे, मेरी शेरों वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरों वाली जी का बोल सच्चे दरबार की जय। शेरों वाली माँ जोता वाली माँ मेरा वाली जप लो नाम प्यारा, जप लो नाम प्यारा शेरा वालिदा, जप लो नाम प्यारा शेरा वालिदा, जप लो नाम प्यारा शेरा वालिदा, जप लो नाम प्यारा वालिदा, इस सच्चा सुच्चा द्वारा सच्चा सुच्चा द्वारा शेरा वालिदा, सच्चा सुच्चा द्वारा शेरा वालिदा, शेरा वालिदा, शेरा वालिदा, मेरा वालिदा, मेरा वालिदा, जोता वालिदा, जोता वालिदा, लता वालिदा, लता वालिदा, जपदा है कोई पागा वाला,
पता है कोई मागावा उच्चा सुच्चा द्वारा शेरा वाली दा उच्चा सुच्चा द्वारा शेरा वाली दा जप लो नाम प्यारा शेरा वाली दा जप लो नाम प्यारा शेरा वाली दा हुन सफल तू जीवन कर ले 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 मां दे दर तो चोलियां भर 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 ले हां सब दा एक सहारा शेरा वाली दा सब दा एक सहारा शेरा वाली दा जपलो नाम प्यारा शेरा वाली दा जपलो नाम प्यारा शेरा वाली दा 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 जपलो नाम प्यारा शेरा वाली दा जपलो नाम भगत ने नाम ते आया जानू भगत ने नाम ते आया जानू भगत ने नाम ते आया मां दे दर तो सब कुछ पाया 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 भगतानू एक सहारा शेरा वाली दा भगतानू एक सहारा शेरा वाली दा जपलो नाम प्यारा शेरा वाली दा जपलो नाम प्यारा शेरा वाली दा 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 श्रीधर माता पूजन कीता श्रीधर माता पूजन कीता श्रीधर माता पूजन कीता ओने माता दर्शन कीता ओने माता दर्शन कीता ओने माता दर्शन कीता ओने माता दर्शन कीता बन गया अखियां दा तारा शेरा वाली दा बन गया अखियां दा तारा जपलो नाम प्यारा शेरा वाली दा जपलो नाम प्यारा शेरा वाली दा 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 जपलो नाम प्यारा शेरा वाली दा जपलो नाम प्यारा शेरा वाली दा जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। लघु
प्रस्तुत करेंगे श्री जसपाल जी। जयकारा श्री राम वालिदा बोल सच्चे दरबार की। दिल दिया गल्ला करा तेरे नाल, तू होवे सामने मैं होवा चरना नाल। दिल दिया गल्ला करा तेरे नाल, सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े भाग्यशाली ही पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की पर्वित्र वेला में और विशेषतः
आज अष्टमी एवं मंगलवार के दिन माँ के चरण में बैठ करके माँ भगवत की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का ये जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुए। अष्टमी नवमी चतुर्दशी जो माँ भगवती के विशेष दिन होते हैं जिसमें की भगवती विशेष पूजा आराधना अर्चना जप पाठ स्नान दान इसका अनंत गुणफल होता है। फिर शक्ति पे पर आकर के ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए पुण्य अर्जित करने का तो इस पुण्य का अक्षय फल होता है, इस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। माँ की इसी तरह से आप भक्तों की कृपा बनी रही और माँ वैष्णो देवी प्रसन्नता पूर्वक आप भक्तों को अपने दरबार में बुलाती रही, अपना आशीर्वाद आपको देती रहे और माँ के आशीर्वाद से आप भक्तों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि हो, आपके घरों में आपके परिवार में सुख समृद्धि हो, आप उत्तर तो उन्नशील हो उन्नति को प्राप्त हो और माँ वैष्णो हर स्थान पर देश विदेश में हर क्षण हर पल अंग संग आपकी रक्षा करे, आपकी दीर्घायु करे, आपके कारोबार वृद्धि करे, सर्वत्र आपका मंगल मंगल करे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते भान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञा भान भव भूर्भूत करणे धाने कनिष्ठ भव तेजस्वी भव धैर्य दर्भ दलने अपार दक्ष भव श्री शंभर पाद पूजन रतः सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संत पूर्ण संत मनोर्थ शत्रु नाम बुद्धि नाशोस्त मित्र नाम देश शरीर वर्चस आयुष आरोग्यमाविदात शुभमानम हियते धनम धान्यम पशुं भूपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु अस्त दीर्घमायु। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक कर। बोले सच्चे दरबार की जय। अभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सही भक्ति जन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे सम्मिल कर बोला ताली बजाते हुए। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करणी मैया जय आनंद करणी Thank you.
Jai Mata Di, 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 Jai Mata Di,
स्मरण करें आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते ही आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। Oh,
खड़गम चक्र गजे जावरवैगन चूलम शून्यं शिवा संघं लंघयन् गये दिनैन सर्वं भूषाधिताः नीलाश्वाजपाजदशतां देवे महाकालिकां यासो स्वविदेह लोकमुरुषो हन्तुं मधुं नैनवम् अर्घ्यादर्वशुङ्गदेशपुरुषम् परमं धनुकुण्डितां शक्तिवसं च कर्म जलजं खण्डाश्रुरावायनम् शूरं आदुदर्शने सदसति अर्थे प्रसन्नानन श्रीवर्धनी महिमः लग्नेश्वरोजस्य घण्टाशूलहरानि सङ्क्रमसुरे चक्रं धनुसायतम् हस्ता जयधरसिंहणां समरस सरस्वती प्राप्त हो सबकी मनोकामना पूर्ण हो वो सच्चे वो सच्चे दरबार की जय सच्चे दरबार की जय